मुकेश शर्मा 2021 से जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई हुई है फोन टेपिंग वाले मामले को लेकर, उसी सिलसिले में मुझे आज पूछताछ के लिए नोटिस लेकर करवाया। ये मुझे 8वां नोटिस मिला आज, और उस 8वें नोटिस के एवज में मैं 5वीं बार यहाँ उपस्थित हुआ हूँ व्यक्तिगत रूप से, और जो 3 बार नहीं आ पाया उसके लिए मैंने लिखित में जवाब अपना प्रस्तुत कर दिया। लगातार एक ही तरह के सवाल हैं, एक ही तरह की बातें हैं। मैंने हर बार ये कहा कि फोन टेपिंग मामले से मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। जो वार्तालाप, जो ऑडियो क्लिप्स मुझे मिली सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, और उनको मैंने सर्कुलेट किया, क्योंकि जो वार्तालाप थी उसमें चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, और एक ऐसी साजिश जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को पैसे का लेन देन करके गिराए जाने की जिसमें बात की जा रही हो, तो मैंने मीडिया के माध्यम से जनता को उचित समझा कि जनता तक वो पहुंचाई जाए, और वही मैंने अपना काम किया। मुझे लगता है कि उसके बाद लगभग 9 महीने बाद गजेंद्र सिंह जी को ये एहसास हुआ कि उनकी छवि धूमिल हो रही है, और उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई। FIR में बड़े स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि उनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया, जबकि मेरा ये कहना है कि मैंने कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट नहीं किया। दूसरी तरफ उस FIR को अगर आधार माना जाए तो गजेंद्र सिंह जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उस वार्तालाप में उन्हीं की आवाज़ है, जभी तो उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। तो एक केंद्रीय मंत्री जो चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हैं, क्या उन्हें उसके अगेंस्ट जो भी दंड मिलना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए? हमारी जो जाँच एजेंसीज हैं स्टेट की, उनको भी अपनी जाँच की दिशा उसी तरह से आगे बढ़ानी चाहिए, उस FIR को आधार मानकर जांच करनी चाहिए कि उन्होंने उसमें स्वीकार कर लिया उनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल 11 अक्टूबर को माननीय हाईकोर्ट में मेरी सुनवाई पेंडिंग है, बावजूद उसके मुझे आज नोटिस देके बुलवाया गया। हालांकि मैं लगातार कॉपरेट करता आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कॉपरेशन होगा कि 8 बार के नोटिस में 5 बार उपस्थित हुआ हूँ, और पिछली बार जब मैं यहाँ आया था 20 मार्च को लगभग 9 घंटे तक मुझसे पूछताछ की गई थी, आज भी 4 घंटे हो गए हैं, और कल मुझे फिर बुलाया गया है। मुझे एक और नोटिस आज दिया गया है जिसमें मुझे कल 11 बजे फिर उपस्थित होने की। अरे सर, किस तरह के सवाल आपसे किए होंगे? देखिए, सवालों के बारे में तो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, सवाल उसी चीज़ को लेकर हैं सारे के सारे कि आपने फ़ोन टेपिंग की, आपको कहाँ से मिला, क्या मिला, मुझे लगता है उन सबके मैं जवाब दे चुका हूँ। तो बार बार एक ही तरह के सवालों के जवाब लगता है कि परेशान किया जा रहा है मुझे अनावश्यक।